करेंगे। अब मुद्दा यहाँ पे आपका खत्म होता है जो था ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ की, लड़ाइयों के बाद इन्होंने ब्रेक कर दिया और ब्रेक के बाद फिर से लड़ाइयाँ की। अब दूसरा यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव शुरू होगा, वो है ट्रीटीज। बहुत सारी संधियाँ होती है, वही संधियों में से हम लोग दो संधि देखने की कोशिश करेंगे। एक तो है सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस, एंड द सेकेंड वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैग्स, चूक के सिद्धांत या खालसा नीति कहते हैं उसको। ओके, अब देखने की कोशिश करेंगे सब्सिडरी अलायंस क्या है, और उसके बाद एक और आएगा जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पे जब इस तरह से विस्तार होता है, उसके पीछे ब्रिटिश डिप्लोमेसी को बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट बोली जाती है। द डिप्लोमेसी दैट वॉज यूज, डिप्लोमेसी इज वन सच एस्पेक्ट जो अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से यूज करते। मिनिमम वॉर्स वर फॉट बाय द ब्रिटिशर्स, हो सके तब तक डिप्लोमेटिक टूल यूज करो। एक्सट्रीम केसेस के अंदर जब आप जाओगे तभी जाके आप लड़ाई करोगे। इनिशियली पहले लड़ाई की जाती है, लड़ाई करने के बाद एक खौफ फैला दिया जाता है, और उसके बाद कोई भी स्टेट होगा ना, बाजू वाला स्टेट, उसके पहले जब संधि के लिए कागज भेजा जाता था कि तेरा देख तेरे दोस्त के जैसा हालत कर देंगे, संधि कर देगा, तो उसने देखा होता है कि यार मेरी हालत चली जाएगी, सत्ता चली जाएगी, इससे अच्छा संधि कर। लेट वी गो एंड लाइक नो ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग आउट बाय सम डिप्लोमेटिक एक्शन रेदर देन फाइटिंग अ वॉर, क्योंकि नेटिव स्टेट्स को यह चीज तो पता लग गई थी कि मानो कि ना मानो अंग्रेज हमको सब्जुगेट कर दें। यहां से शुरुआत होगी आपकी पूरी, सबसे पहली जो ट्रीटी है जिसे कहा जाता है सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। और मुद्दे की बात यहां पे ऐसी थी कि यहां पे अंग्रेज जब आए तो उनको एक चीज पहले से पता थी कि ब्रिटिश स्टेट्स, ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की थी। वो ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि यहां कुछ भी हो जाए इनके बीच में यूनिटी नहीं है। भारत की जितनी भी रियासतें थी उनके बीच में आपको एक यूनिफाइंग फोर्स नहीं देखने को मिलती। इवन दे मराठा जिनका इतना बड़ा साम्राज्य था उनके बीच में भी यूनिटी नहीं थी। तो एज यूजुअल अंग्रेजों ने एक सहारा लिया, और एक टेक्निक है जनरली हम लोग भी यूज करते रहते हैं जिसे कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कुछ भी हो जाए कि तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, हम दोनों का कॉमन दुश्मन है तो मिल बैठेंगे, दो यार हम दोनों मिल जाते हैं। और यही चीज की गई अंग्रेजों के द्वारा, एक खौफ फैलाया गया, एक पूरा का पूरा एक फियर साइकोसिस खड़ा कराया गया, और वही फियर साइकोसिस के द्वारा सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी। इस ट्रीटी का पीछे का जनरली आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो एक जेंटलमैन है जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, ही गेव द फाइनल शेप टू दिस ट्रीटी, ही वॉज नॉट द वन हु इंट्रोड्यूस दिस ट्रीटी। बहुत सारी किताबों और बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा भ्रम रहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो चीज गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली तो उसको एक अच्छी तरह से मोल्ड कर देते हैं। ये ट्रीटी की शुरुआत तो 1760 के आसपास से शुरू हो गई थी, जब सबसे पहले इसका बकरा बनता है वो है अवध का नवाब। हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद की संधि की गई तब बक्सर के बाद अवध को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया गया, संरक्षित राज्य। अवध को बोल दिया गया कि बॉस तुम अपनी आर्मी नहीं रखोगे, और तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, अंग्रेजों की होगी। और यहां से ही इस तरह की ट्रीटी की शुरुआत हो जाती है, यही कि यही ट्रीटी को और तरह से एनहांस कराते कराते 1800s तक आते आते जब लॉर्ड वेलेस्ली यहां पे आते तो उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे। कहानी यह चलती है कि ये ट्रीटी को इंप्लीमेंट कराने के पीछे के कारण की चर्चा कीजिए, सहायक संधि को क्यों अमल में लाना चाहती थी कंपनी, क्योंकि यहां से अभी पूरा का पूरा जो शासन चल रहा है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां पे वो कंटिन्यूअसली देख रही थी कि 1799 के आसपास का टाइम है, 1770 1780 1790, और कंपनी यहां पे जितने भी भारतीय रियासतें थी वो सब कुछ ना कुछ उनके बीच में टांग अड़ाते रहती। कंपनी यहां पे कुछ अपना बेस एक्सपांड करने की कोशिश कर रही थी तो बाजू वाले स्टेट को पसंद नहीं आएगा कि कंपनी यहां पे आके व्यापार कर रही है और व्यापार के नाम के ऊपर हमारे से सत्ता छीन लेगी भविष्य के। तो एक कारण ये था जो यहां पे कंटिन्यूअसली जो हॉस्टिलिटी थी इंडियन स्टेट्स की, उसी का ही सहारा लिया गया दो राज्यों के बीच में लड़ाई का। वो है ना कि दो
बिल्लियां झगड़ती रहती और बंदर आके पूरा का पूरा रोटी का टुकड़ा ले लेता। यही स्टोरी पूरी की पूरी दोहराई जाती है सब्सिडरी अलायंस के अंदर, जहां दो राज्यों के बीच के अंदर की लड़ाई के अंदर अंग्रेज राज्य के एक राज्य के पास जाता और बोलता कि यार तुम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता है यार ये बाजू वाला स्टेट है उसका राजा है, हम लोग के ऊपर अटैक करता रहता है आए दिन। अंग्रेज बोलते हैं कोई बात नहीं, वी हैव गॉट अ कॉमन कॉज। तो राजा बोलेगा कि यार ये कॉमन कॉज क्या है, कारण क्या है हमारा दोनों का। तो यही स्टोरी बोली जाती है कि वो हमारे ऊपर भी अटैक करता है, लेट अस फाइट टुगेदर। तो यहां से शुरू हुआ आपका सब्सिडरी अलायंस का सबसे पहला स्टेट, जहां पे अंग्रेज और नेटिव स्टेट्स आपकी जो भारतीय रियासतें थी वो दोनों साथ में फाइट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद जब सेकंड स्टेज के ऊपर जाते हैं तो सेकंड स्टेज के अंदर ये देखने को मिलता है कि ये दोनों के दोनों नेटिव स्टेट्स जब झगड़ रहे थे और एक साइड पे इंग्लिश इन लोग को हेल्प कर रहे थे जैसे स्टेट हो गया, तो अंग्रेजों को लगा कि आपकी आर्मी और हमारी आर्मी जब दोनों साइड साथ में फाइट करती है ना तो कुछ जम नहीं रहा। क्यों? तो उसके पीछे का कारण इन्होंने दोहराया कि हमारी आर्मी बहुत ही यूरोपियनाइज्ड है, वी आर वेरी वेल ट्रेन्ड, और आप तलवार और भाले से लड़ाई करने आते हो, हम लोग गोली से करते हैं, आपकी धोती वोती उतर जाती है फाइट में तो मजा नहीं आती। तो डू समथिंग एल्स। तो बोले क्या करें, आप अपनी सेना मत दो, आप सेना की जगह हमको पैसे दे दो। अंग्रेजों ने वो राजा को बोला कि हम लोग लड़ेंगे, एक दुश्मन ही है हमारा, बट यू डू नॉट गिव अस योर मैन, यू गिव अस मनी इंस्टेड ऑफ दैट मैन। आप आदमी मत दो, आप लड़ाई के लिए जो सोल्जर्स दे रहे थे साथ में तो वो मत करो, उसकी जगह आप हमको पैसे दे दो। तो नेटिव स्टेट्स ने बोला कोई बात नहीं यार, ये तो बढ़िया बात होगी, हमारे लोगों को हटा देने की बात कर रहा है, पैसे से काम हो रहा है तो अच्छा है, हमारी कैजुअलिटी कम हो जाएगी। थर्ड स्टेज के अंदर ये पूरा का पूरा मुद्दा चलता है, तब अंग्रेज वो राजा के पास जाता है जिसके साथ ये संधि की कराने की बात हो रही थी, और जाके उसके कान के अंदर बोलता है कि यार हम लोग तो अटैक करके लड़ाई करके चले जाएंगे, कल उठ के तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो क्या करोगे बॉस। राजा बोलता है यार भाई साहब सही बात बताई आपने, तो यार हमारे ऊपर हमला हो गया तो क्या करेंगे हम। तो अंग्रेज बोलते आई हैव गॉट एन आइडिया, मिलियन डॉलर आइडिया। तो बोले क्या आइडिया है बता दीजिए कैप्टन रसल। कैप्टन रसल राजा के कान में बोलते कि एक काम करो, हमारी आर्मी को यहाँ पे एस्टेब्लिश करा, एक स्टैंडिंग आर्मी होगी जो अच्छी तरह से यहाँ पे आपका स्टेट का आपके राज्य का संरक्षण करेगी। सो इन द थर्ड स्टेज यू विल सी कि अंग्रेज यहाँ पे पहले राजा के कान भरते और बोलते हमको साथ में लड़ाई करनी चाहिए। तो पहले दोनों के सोल्जर्स को यूज किया जाता था, फिर एक के बाद राजा के सोल्जर्स को हटा के फिर अंग्रेज अपने आर्मी के सोल्जर्स यूज करते थे, उसके लिए पैसे लेते थे। तीसरे स्टेज तक आते आते फिर से राजा को एक फियर साइकोसिस क्रिएट कराया गया और उसको बोला गया कि एक काम करो कि आप यहाँ पे एक इंग्लिश आर्मी का कैंटोनमेंट खड़ा कर दो, आपके राज्य की वो राजधानी है वहां पे, तो फायदा हो जाएगा, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। द किंग सेड ओके, कोई बात नहीं। अब मुद्दा यहाँ पे आता था कि पैसा कहाँ से आएगा, हु विल गिव द मनी एंड इन व्हाट फॉर्म, क्योंकि इतने सारे लोगों को आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एक आर्मी का बेस बनाना है, तो उसके लिए तो पहले तो बोला गया था कि पैसे दे दे, लेटर ऑन अंग्रेजों ने बोला कि पैसे ना दो, एक काम करो जमीन का टुकड़ा दे दे, आपके राज्य के अंदर एक जमीन का टुकड़ा दे देना जिसके हिसाब से हम लोग उसके ऊपर पूरा का पूरा लगान लगा के उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा के वहां से हम लोग रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से राजा की संरक्षण के लिए अंग्रेजों ने वहां पे अपने एक पूरी बेस की स्थापना की, और उसके लिए खर्चा कहां से निकालते थे, खुद से करके राजा के पास से। सो दिस वॉज हाउ द ट्रीटी इवॉल्व, और यही का यही पूरा का पूरा स्टेजेस का पूरा डेवलपमेंट हुआ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी के अंदर। मुद्दा यह था कि एक रीजन तो बोला गया कि यहां राजाओं के बीच में नहीं बनती, उसी का सहारा लेके अंग्रेजों ने एक राजा के साथ ये संधि कर दी और उसको डर दिखा के बोला गया कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, हम दोनों दोस्त बनते। दूसरा एक कारण ये भी बोला जाता है कि वहां पे यूरोप के अंदर बहुत सारा उस टाइम के अंदर तरखाट चल रहा था, और तरखाट मचा रहा था एक जेंटलमैन से जिसका नाम था नेपोलियन। 1789 के बाद 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है, उसी के दौरान उसी टाइम की बात है, उस टाइम पे नेपोलियन वहां पे थोड़ा 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 इवॉल्व कर रहा, और नेपोलियन यूरोप के अंदर एक युद्ध लड़ता है जिसे कहा जाता है 25 ईयर्स वॉर, 25 वर्षों का युद्ध। पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की क्रांति, राष्ट्रवाद की गंगा जमुना जो पूरी बहाने की कोशिश करता है वो होता है नेपोलियन। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप, आधुनिक यूरोप का उसको वास्तुशिल्पी कहा जाता है नेपोलियन।
हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जब ज्यादा उसके बारे में चर्चा करेंगे नेपोलियन के अंदर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है कि नेपोलियन जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनी होती है, जहां जहां अंग्रेजों का उपनिवेश होगा ना, वहां पे जाके अटैक कर रहा होता है यूरोप के अंदर और अफ्रीका के अंदर। और नेपोलियन का एक ग्रैंड प्लान था, वो ग्रैंड प्लान के तहत उसने सोचा था कि मैं आज नहीं तो कर अंग्रेजों की जो सबसे बड़ा उपनिवेश है जिसके कहा जाता है भारत, उसके ऊपर हमला करूंगा और उसको फ्रांस का पूरा बेस बना, उसकी फ्रांस को कॉलोनी बना। नेपोलियन स्टिल रिमेंबर्ड व्हाट हैपेंड इन इंडिया, यहाँ पे किस तरह से फ्रेंच को हकाल दिया गया था। और नेपोलियन तो एक ऐसा इंसान है कि जो फ्रांस की क्रांति के कारण ही जन्म लेता है और वही उसकी क्रांति का गला दबाने की कोशिश करता है। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, फ्रांस के गणतंत्र का राजा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन पर्सन हु टेक्स द हेल्प ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू कम टू पावर, उसी का ही गला दबाता, उसी का ही गला दबाने की कोशिश करता है। तो नेपोलियन का एक बहुत ही ग्रैंड प्लान था जिसके तहत उसने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं जो ये अंग्रेजों की कॉलोनी है भारत, जो उनके उपनिवेश है, उसके ऊपर आज नहीं तो कल हमला करूंगा। और अंग्रेजों को डर लग रहा था ये चीज को लेके कि नेपोलियन आएगा भारत। नेपोलियन नॉर्थ अफ्रीका के रूट से, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे थोड़ा बहुत, तो नॉर्थ अफ्रीका के रूट से जो अरब पेनिनसुला कनेक्टेड है, वहां से होके ईरान होके अफगानिस्तान होके कोई ना कोई रास्ते से नॉर्थ से इंडिया में आएगा। एंड द ब्रिटिशर्स यूज्ड एंड दे थॉट कि हम लोग यहाँ पे जब सहायक संधि करेंगे तो सहायक संधि करने के दौरान हम लोग उन्हीं राज्यों के साथ ज्यादा फोकस करेंगे जो बफर स्टेट की तरह काम कर सके। यू नो द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टेट, कि एक शॉप एब्जॉर्बिंग, कि यहां से हमला होता है तो उसके पहले पहले वो मरेगा, जैसे हिटलर ने सहारा लिया था ऑस्ट्रिया के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पता था वो मरने वाला है, रशिया के हाथों उसका मौत होने वाला, बट स्टिल। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलता है कि बफर स्टेट का सहारा लिया जाता है, जो जो स्टेट्स के साथ, जो जो राज्यों के साथ आपकी सहायक संधि हुई थी, उनको ये बफर स्टेट का दर्जे के दौरान ही अंग्रेजों ने सोचा कि कल उठ के नेपोलियन आए ना तो पहले उनके ऊपर तलवार गिरी, उसके बाद जब यहां पे होगा हम लोग संभालने की कोशिश करेंगे। यहां पे जब संधि की जाती थी तो संधि के दौरान यह भी बोला जाता था राज्यों के अंदर कि आपके यहां पे, अभी हम यहां पे आपके साथ ट्रीटी कर रहे हैं, हम लोग ये संधि कर रहे हैं, तो संधि के अंदर हम लोग हमारी जो पूरी के पूरे क्लॉजेस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी पॉइंट विस्तृत से दिए गए हैं उसका आपका अच्छी तरह से पालन करना पड़ेगा। तो राज्य को सबसे पहले बोला जाता था कि यहां पे हमारी एक सेना रहेगी। हाँ बोले, कोई बात नहीं। उसके साथ साथ बोला गया कि अभी हम लोग आपके साथ युद्ध कर रहे हैं और हम लोग का और आपका दुश्मन कॉमन है, तो डिफेंस आपकी पूरी की पूरी जो संरक्षण की जवाबदारी है वो भी हमारी हो गई, तो आप डिप्लोमेसी क्यों अपने हिसाब से करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब मैंने आपसे बोला गया है कि आपका जो पूरा का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है वो मैं संभाल रहा हूं, तो यू विल बी हैविंग एनी राइट्स टू गो फॉर योर ओन डिप्लोमेटिक वे? आप कूटनीति या विदेश नीति अपने हिसाब से उसका पालन करा पाओगे? इफ यू गेट द होल पॉइंट, डिप्लोमेसी एंड डिफेंस रिलेशंस गोज हैंड इन हैंड। डिप्लोमेटिक फेलियर मीन्स वॉर। डिप्लोमेसी अगर आपकी जहां पे फेल होती है उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती। सो यू सी कि अंग्रेजों ने क्या किया कि डायरेक्टली एक चीज की कि आपकी डिफेंस पॉलिसी, जो राज्यों की पूरी संरक्षण नीति थी, उसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि खुद की आर्मी रख दी। उसके साथ साथ ये राज्यों को बोल दिया गया कि आप कुछ भी करो, अपनी सेना मत रखिएगा, क्योंकि हम लोग आपकी संरक्षण के लिए हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से उभर के आ रही थी राज्यों के लिए, वो यही थी कि आप अभी डिफेंस तो हमारे हाथ में रख रहे हो, तो डिप्लोमेसी क्यों अपने हिसाब से करोगे? हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ संधि करनी है, हम लोग डिसाइड करेंगे आपको किसके साथ युद्ध करना है। सो एक तीर से दो निशान मारने की कोशिश की गई सहायक संधि के द्वारा, जब आपका पूरा का पूरा जो स्टेट मैकेनिज्म था और आपकी फॉरेन पॉलिसी, इसके साथ साथ आपकी डिफेंस पॉलिसी, वो एक ही झटके में राज्यों से ले ली जाती। सो इंपॉर्टेंटली दो पॉइंट आपको देखने को मिलता है सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस के अंदर, जब राज्यों की पूरी जो नीति थी उसको हटा लिया जाता है, इसके साथ साथ और भी प्रोविजंस की जाते हैं। एक प्रोविजन मैंने जैसा वैसा बताया कि आपको जो जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा पैसों के लिए, इसके साथ साथ एक प्रोविजन ये भी बताया कि द नेटिव स्टेट्स विल नॉट बी रिटेनिंग एनी ऑफ द यूरोपियंस इन देयर सर्विस। आज के बाद को भी राज्य ने हमारे साथ जब संधि कर दी सहायक संधि, उसके बाद आप कोई भी
यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे उस टाइम के अंदर. यूरोपियन कौन थे? फ्रेंच. फ्रेंच वर इन मेजोरिटी. तो अंग्रेजों को यह चीज पता थी कि आज नहीं तो कल कहीं पे फ्रेंच आ जाएंगे, तो वो भी हटा दिया गया. इसके साथ साथ एक और संधि के अंदर एक पॉइंट बोल दिया गया जहां पे बोला जाता था कि जब हमारी सेना रहेगी साथों साथ एक ब्रिटिश रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट करेगी. दिस ब्रिटिश रेसिडेंट, ये अंग्रेज पूरा का पूरा रेसिडेंट होगा, वो आपके राजा के दरबार में बैठेगा बट वहां की राजकीय जो दरबार होगी उसके अंदर कुछ इंटरफेरेंस नहीं करेगा. डू यू थिंक दैट दिस विल बी राइट? आपके यहां से आपकी डिफेंस मैकेनिज्म ले ली गई है, आपकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो आपके साथ जो पूरा डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी वो आपसे छीन लिया गया, आपके पास इकोनॉमी ज्यादा कुछ डेवलप नहीं है और एक अंग्रेज अफसर आके आपके कोर्ट के अंदर बैठेगा और उसको बोला जाता है कि आप इंटरफियर मत करिएगा राजा के दरबार के अंदर. आपको लगता है ऐसा होगा? दैट द ब्रिटिश रेसिडेंट वुड बी द अल्टीमेट डिफेक्टो अथॉरिटी ऑफ द पावर. ये चीज कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है सब्सिडरी अलायंस के अंदर कि जब ये ब्रिटिश रेसिडेंट को जब राजा के दरबार के अंदर भेजा जाता है तो उसके लिए क्लॉज के अंदर तो यही लिखा था संधि के क्लॉज के अंदर कि ये आदमी इंटरफियर नहीं करेगा, बट ये चीज देखने को मिलेगी कि यही आदमी पूरा का पूरा सत्ता यहाँ पे कैप्चर कर देता है. दिस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश विथ ऑलमोस्ट एवरी नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया. यहाँ पे अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे हर एक स्टेट के साथ ये संधि की है. अ डिवाइस फॉर एस्टेब्लिशिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड ब्रिटिश हेजेमोनी ऑन इंडियन स्टेट. इनडायरेक्ट कंट्रोल और अंग्रेजी हुकूमत को किस तरह से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए उसी का ही ये पूरा का पूरा मशीन था, उसी का ही ये पूरा का पूरा खिलौना था जिसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस. गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली गेव द फाइनल शेप टू दिस ट्रीटी. व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, हमने ये भी जानने की कोशिश की इसके पीछे का कारण क्या था. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमिनेंट डेंजर्स फॉर फ्रांस बिकॉज ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स एंड इंक्रीजिंग हॉस्टिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी. यहां से मैंने आपको बताया कि जब फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने तरखाट मचा के रखा था उसी के ही कारण कंपनी को लगा कि हमको हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी बाउंड्रीज है और जितनी टेरिटरीज है उसका जितना साम्राज्य है उसको बचाना पड़ेगा और उसी बचाने के चक्कर में उन्होंने ये पूरा का पूरा सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि का तिकड़म रचा. ओके, सो दिस वॉज नेपोलियन की वॉर की पूरी की पूरी. अंडर दिस सिस्टम अ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द नेटिव स्टेट्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी और राज्यों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई और ट्रीटी के ही प्रोविजन के अंदर हमने बात की. द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स. आपके जितने भी नेटिव स्टेट्स थे वहां पे जो अंदरूनी और जितनी बाहर की आपके जहां पे भी लग रहा था कि यहां से डर है, यहां से हमला होने की पूरी पूरी शक्यता है, उसकी पूरी की पूरी सहायता कौन ले लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी. द कंपनी वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो कैप्टन रसल बोलते थे राजा को, यहाँ पे चाय पिए जा रहे हैं, कि द नेटिव स्टेट्स एग्रीड टू गिव अप देयर क्लेम ऑन डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इज डिप्लोमेसी. इसके बाद राजा की हालत ऐसी हो जाती है. आमिर खान जाता है कि भाई लगान माफ कर देना. राजा बोलता है कि यार मेरा खुद का लगान मेरी भरने की औकात नहीं रही है, खाली यहाँ पे आके मैं चाय पे चर्चा करके मैच लेके चला जाता हूँ. यू सी दिस वॉज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल नॉट इन रियल सेंस बट आप मूवी में देखोगे दिस गाय वॉज द सब्सिडरी अलाय ऑफ द ब्रिटिशर्स. When Amir Khan and his company went to this guy और बोलता है कि राजा जी लगान माफ कर दो, राजा बोलता है मेरी मैं खुद इनके पेंशन के ऊपर जी रहा हूँ. Did the king had his own army at that time? Who was this guy? This was a British resident at Champanet. Movie देखोगे तो British resident ही था, उसके equivalent की post थी. So importantly, defence और external affairs लेने के बाद राजा के हाथ में कुछ बचा ही नहीं था. The king was just a puppet into the hands of the Britishers और वही puppet को यहाँ से यहाँ घुमाया जाता था. तो सहायक संधि और सब्सिडरी अलायंस नाम ही है देखो सब्सिडरी, दैट इज सेकंड. हु विल बी द सुप्रीम अथॉरिटी? ब्रिटिशर्स विल बी द सुप्रीम अथॉरिटी. उनके हाथ में ही सब कुछ पूरी की पूरी सत्ता रहे. ठीक है, तो नेटिव स्टेट्स ने क्या क्या चीज यहाँ पे जब संधि की गई है नेटिव स्टेट्स के अंदर जो भी आपकी रियासतें थी उनके दिमाग के अंदर ये सब चीजें भरी गई, तो उन्होंने कौन सी चीज के लिए एग्री कर दी? सरेंडर द फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल क्लेम्स ऑन अदर इंडियन पावर्स. जैसे ही आपने पेशवा ने यह संधि की थी 1801 के अंदर, दी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो पेशवा ने ही यह संधि की थी जिसे कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस. और जैसे ही ये पेशवा ने संधि की ना तो बाकी के तीन राजा थे ना भोसलेस सिंधियास एंड द होलकर्स,
इन तीनों को पसंद नहीं आया था कि पेशवा ने सहायक संधि कर दी। क्यों? क्योंकि पेशवा की जो विदेश नीति थी वो किसके हाथ में चली गई? अंग्रेजों के। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग ये तीनों मिलके पेशवा के ऊपर हमला करते, बट चलता नहीं है इनका। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ जब सहायक संधि की थी तो अंग्रेज अपनी सेना भेजेगा कि नहीं भेजेगा। इसी के कारण ये पूरी की पूरी पेशवा की कॉन्फेडरेसी जो मराठा यूनियन था उसको तोड़ा गया। तो एक तरह से युद्ध तो किया गया, युद्ध के साथ साथ डिप्लोमेसी कूटनीति का पूरा सहारा लिया जाता। यही पूरा का पूरा कूटनीति के सहारा के द्वारा यहां पे पूरा का पूरा शासन चलता है। यू सी कि दो लड़ाई तीन लड़ाइयां किया कि नहीं किया मराठास के साथ? तीनों लड़ाइयों के बीच में एक के साथ सहायक संधि कर, बोले इनको यहां से कमजोर करो। आरटीसी आरटीसी अहमदाबाद अहमदाबाद ही है क्या? आरटीसी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, म्यूट पे कर दो उसको। अरे आरटीसी अहमदाबाद तुम्हारा माइक म्यूट करो, मेरा बंद कर दूंगा ठीक है, उसको नहीं सुनाई देगा। वो कौन है यार, उनको बुला के आओ, उनको बोलो ये मेरा म्यूट कर दे। अच्छा वेलकम बैक टू दिस टॉपिक, हम लोग पेशवा की बात कर रहे थे। तो यू सी कि जब पहली आपकी जो दूसरी एंग्लो मराठा वॉर हुई तो उसके अंदर हमने यही देखने की कोशिश की कि पेशवा जैसे सहायक संधि कर देता है तो उसके अंदर ट्रीटी के अंदर क्या क्लॉज था? दैट दे हैड टू एक्सेप्ट द इंटरमीडिएशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद पेशवा किसके साथ संधि करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, पेशवा की विदेश नीति किस तरह से उसको अपनी गाइडेंस देनी होगी, उसके पीछे कौन डोरी चलाएगा? वो डोरी खींचने वाला इंसान होगा कैप्टन रसल। The English will be the ultimate authority. This is getting into your anecdotes. Okay. Second, हमने ये भी clause देखने के अंदर कोशिश की that all foreigners are to be removed from the services of the state. जब यहाँ पे पेशवा या निजाम या किसी ने भी यहाँ पे जब ये संधि की अंग्रेजों के साथ तो उनको बोल दिया गया कि आपके यहाँ पे राज्य के अंदर और भी जो अंग्रेज या और भी जो यूरोपियन हैं जो यहाँ पे आपको सेवा दे रहे हैं उनको हटा दो। तो यहाँ पे सेवा देने वाले लोग कौन थे? फ्रेंच। फ्रेंच सबसे अल्टीमेट थे तो फ्रेंच को एक तरह से उन्होंने रेलिगेट कर दिया, उनको थोड़ा दूर कर दिया। बट स्टिल इनको लगा कि भाई कुछ भी हो जाए फ्रांस को और कमजोर करना चाहिए, और इसी के चक्कर में इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि जितने भी आपके फॉरेनर्स हो गए उनको हटा दिया जाएगा। A contingent of British troops is to be stationed at the capital of the native states at the cost of native states themselves. The troops will be under the command of East India Company. तो मंगल पांडे जैसे लोगों को यहाँ पे अलग अलग जगह के ऊपर बेस बनाया जाता था और यही बेस को कमांड कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक संधि के दौरान आपको सबसे पहले देखने को मिलता है कि डिप्लोमेसी आपकी पूरी की पूरी छीन ली गई। इसके साथ साथ आपने अंग्रेजों ने आपके साथ संधि के अंदर टर्म्स डिक्टेट कर दिए और बोल दिया कि यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हो गए उनको भी आप यहाँ पे सेवा में नहीं रख सकते। तीसरे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी बोल दिया कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा ब्रिटिश ट्रूप का पूरा कंटिजेंट होगा, एक पूरा पूरा कैंटोनमेंट होगा जो आपके राज्य के अंदर आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग भेजेंगे। बट ये ब्रिटिश ट्रूप किसके कमांड में होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सोवरेनिटी रही। दी सोवरेनिटी या सार्वभौमिकता, ये राज्यों की जितनी भी सार्वभौमिकता थी वो टूट गई। क्यों? क्योंकि आपकी डिफेंस मैकेनिज्म चली गई, आपकी डिप्लोमेटिक जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म थी वो चली गई। मतलब करोगे क्या फिर राजा बनने के बाद? कुछ नहीं, हाथी के ऊपर घूमते रहना है आपको। ऑल द नेटिव ट्रूप्स वर टू बी डिस्बैंडेड। साथो साथ ये भी बोल दिया कि हम सुरक्षा करने के लिए हमारी पूरी सेना यहाँ पे आ गई है तो आपको अपनी सेना रखने की क्या जरूरत है? तो राजा जी को कान के अंदर बोला जाता था कि आप काहे इतना खर्च कर रहे हो अपने आर्मी के पीछे,
बोले अवर आर्मी इज देयर, मंगल पांडे इज देयर, देखो अच्छा चिल्लाता रहता है, कंपनी को ऑर्डर दे रहा है, व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ कीपिंग योर ओन आर्मी। तो राजा तो खुश हो गया इनिशियली, फिर पता चला कि बॉस फंस गया, तो कि अभी अभी ट्रीटी करी ना, जो सॉलिड फंसाई गया सी है कि हमारी आखिर की आर्मी डिस्बैंड करी ना, कि हमारी विदेश नीति हमारी हाथ में नहीं रही। एंड दिस वाज द डिप्लोमेटिक टूल व्हिच वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन अ वेरी गुड वे। इसके साथ चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा आ रहा था कि यहां पे पैसा कहां से दिया जाएगा, हाउ टू मीट अप द एक्सपेंसेस। इतने लोगों को आपको यहाँ पे आर्मी का पूरा कंटिंजेंट बैठता है, तो यहाँ पे जैसे साइबर कैंटोनमेंट है हमारा अहमदाबाद के, यू सी लार्ज नंबर ऑफ लैंड एंड लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर हैव देयर बेस ओवर देयर। टू मीट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस द नेटिव स्टेट्स वर टू सरेंडर अ टेरिटरी यील्डिंग एन इक्वल इनकम टू द कॉस्ट बॉर्न बाय द ट्रूप्स। आपको एक जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा, उतना टुकड़ा जितना हमारी सेना को वहां पे रखने के लिए जितना खर्च आता। अभी ये अंग्रेज थे, इनकी डिमांड बड़ी हाई फाई हुआ करती थी, ये बोलते थे कि यार हमारी सेना वाले तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, आपकी तरह नहीं है एकदम, मतलब देसी की तरह जीने वाले लोग। इन कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे इन्होंने डिमांड बढ़ा दी, बोले जमीन का टुकड़ा और थोड़ा एक्सपांड करके दो हमको, राजा को देना पड़ा क्योंकि खुद की आर्मी तो थी नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये लोग और यह फियर साइकोसिस दिखाते कि अभी 200 सोल्जर्स से और 500 सोल्जर्स की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। राजा बोलता काहे, तो अंग्रेज बोलता कि बाहर से बाजू वाला जो राजा है वो आपके ऊपर हमला कर देगा तो क्या करोगे। यू सी द ब्यूटी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, इतनी चाल रची गई है और ये चाल के द्वारा ये पूरा का पूरा मुद्दा लगा। सो एक यहाँ पे आपका जो ट्रूप का मेंटेनेंस, पहले 100 लोगों की अपॉइंटमेंट करने के बाद इन कोर्स ऑफ टाइम 1000 लोग चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं। उसके बाद राजा ज्यादा बोलेगा तो रातों रात कू हो जाता और वहां पे अनेक्स कर दिया जाता है। दिस वाज हाउ द ब्रिटिशर्स प्लेड। ओके, व्हाट इफ द स्टेट डज नॉट हैव द मनी टू पे। बोले छोटे छोटे राज्य हो गए, उनको तो सबसे ज्यादा डर रहता है कि बाजू वाला राजा आके तुरंत ही हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे म्यूट कर ही रखो। नेटिव स्टेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट द नेटिव स्टेट्स अग्रीड टू दिस डिस्पेंड देयर होन आर्मी। मुद्दा यहाँ पे आ रहा था कि अगर जमीन के लिए पैसा ना, अगर आपके पास पैसा ना हो तो क्या करोगे। द स्मॉलर स्टेट्स वर गिवन एन ऑप्शन टू पे इन कैश और काइंड। तो जमीन नहीं है, कैश नहीं है, तो आपके पास जो भी जेवरात होगी, क्रेडिट कार्ड तो उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, बट जो भी होगा उसके हिसाब से ले। सो दिस वॉज वन सच टूल अंडर विच द ब्रिटिशर्स यूज टू एग्जॉर्ट मनी। 1765 के बाद एक थियरी चालू की गई जिसे कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहां पे एक कंटिन्यूअसली यूनिलेटरल फ्लो आपको देखने को मिलेगा कि पैसा यहां से इंग्लैंड जाएगा। ये पैसे की शुरुआत यहां से ही हो जाती है जब यहां से एक तरह से कंटिन्यूअसली डायरेक्ट प्लंडर, सीधी लूटफाट की गई। सब्सिडरी अलायंस के अंदर यह भी बोला जाता है कि यह भी एक तरह का डायरेक्ट प्लंडर का ही एक वेपन था, जहां से कंपनी पैसे अठिया करती थी हमारे राजाओं के पास से। ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज टू बी अपॉइंटेड इन द नेटिव स्टेट्स कोर्ट हु वॉज नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द नेटिव स्टेट। कैप्टन रसल की अपॉइंटमेंट की जाती है और बोला जाता है कि ये आदमी कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा। इंपॉर्टेंटली दिस गाय वॉज द अल्टीमेट डिफेक्टो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो किस तरह से हमारे राज्यों को सब्सिडरी अलाय या सहायक संधि के अंदर उनका पूरा का पूरा एक टूल की तौर पे यूज किया गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी को इससे क्या फायदा हो रहा था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिलीव फ्रॉम द पॉसिबल थ्रेट ऑफ द फ्रेंच एज द इंडियन स्टेट विच एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस वुड नॉट एस्पिरेट एम्प्लॉय यूरोपियन और एनिमी ऑफ द कंपनी।
कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज हो गई थी, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि या कोई फ्रेंच या हमारा कोई दुश्मन का कोई भी अपॉइंटमेंट अब वो नेटिव स्टेट्स नहीं कर सकते। हम लोग जो रियासतों के साथ ये संधि कर देंगे तो वहां पे इन लोग की सेवा के अंदर हमारा कोई भी दुश्मन उनके साथ काम नहीं कर सकता। लूजिंग ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज, खत्म हो गया। हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ भी यही हुआ कि वो डिप्लोमेटिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी और देश को दे बैठा। द मोमेंट यू गिव योर डिप्लोमेटिक पॉलिसी टू सम अदर कंट्री, योर डोमेस्टिक पॉलिसी इज ऑल्सो हाईजेक बाय दैट कंट्री। ओके, तो यही चीज हो रही है, आए दिन कू होता रहता है, आए दिन कोई और आदमी पावर कैप्चर कर देगा। एक्सपांशन ऑफ कंपनीज मिलिट्री एम्पायर, कंपनी को अपनी जो पूरी की पूरी सेना के बेसिस एस्टैब्लिश कर रहे थे, जिसके थ्रू अपना शासन चलाना था, उसका शुरुआत यहां से हो जाता है। आर्मी स्टेशन सेटअप इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ होस्ट प्रिंसली स्टेट्स। आपका अगर आपको इसके पहले अगर अपने मिलिट्री स्टेशन अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी एक्सपांड करनी थी तो आपको क्या करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी। लड़ाई करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत सारे आदमी चाहिए थे, और उसमें भी श्योरिटी तो नहीं रहती कि हर बार जीतते। यहां पे तो ऐसा हुआ कि कंपनी कोने कोने तक अपनी पूरी की पूरी शासन की व्यवस्था लेके गई, और वो भी किसके पैसे से, ये लगान जैसे राजा थे ना, उसके 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 हाथ के पैसे से। सो कंपनी ने एक तीर से दो निशान मारे, एक तरह से हमारे स्टेट की जो सार्वभौमिकता, जो सॉवरेनिटी थी वो हटा दी गई। कंपनी को वो भी डर नहीं रहा कि अभी यहां से हम लोग को हमला होगा, क्यों, क्योंकि इसने हमारे साथ सहायक संधि कर दी है। इसके साथ साथ हमारा जो आर्मी का जो एस्टैब्लिशमेंट है, हमारा जो ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश शासन जहां जहां दूर दूर तक जा सकता है उतना दूर गया, वो भी किसके पैसे से, आपकी रियासतों के पैसे। सो बहुत ही फायदा हो रहा था कंपनी को सब्सिडरी अलायंस के द्वारा। हाउ डिड द ट्रीटी वॉज प्रपोज, द ट्रीटी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने चर्चा की थी दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी विल लेंड ट्रूप्स टू द फ्रेंडली इंडियन स्टेट, बोलेंगे कि हम दोनों साथ में लड़ाई करते हैं, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। द ईस्ट इंडियन कंपनी प्लस फ्रेंडली इंडियन स्टेट विल फाइट फॉर अ कॉमन कॉज, इन रिटर्न द नेटिव स्टेट विल प्रोवाइड देम विद मनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लोग थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे और दोनों एक ही एक कॉमन कॉज की तरह लड़ेंगे। तीसरे स्टेज के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आस्क्ड टू आस्क द नो टू सप्लाई ऑफ मैन पावर फ्रॉम नेटिव स्टेट्स, बोलता है कि अब तुम हम लोग को आदमी मत दो, इसकी जगह पे क्या दो, सिर्फ पैसा दे दो। ओनली मनी इज टू बी गिवन, द सोल्जर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विल फाइट। अब आपको डर लगाने की जरूरत नहीं है, हमारी सेना ही फाइट करेगी, आप हम लोग को पैसा दे दो चलेगा। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिफेंडिंग इंडियन अलाई, यहाँ पे बोल देंगे कि हम लोग हमारी एक सेना की एक टुकड़ी आपके राज्य के अंदर रख देते हैं और उसके लिए पैसा भी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे आप हमको खाली एक जमीन का टुकड़ा दे दो। तो चार स्टेजेस के अंदर पूरा का पूरा सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि का डेवलपमेंट हुआ, और इसी तरह से सब्सिडरी अलायंस को इम्प्लाई किया गया था। सबसे पहला बकरा बनता है, मैंने आपको बताया, अवध का नवाब 1765 के अंदर। द अवध वॉज मेड द प्रोटेक्टर स्टेट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद अवध को प्रोटेक्टर स्टेट बना दिया गया। इसके बाद सबका नंबर आएगा, केक कटेगा, सब में बटेगा। मैसूर को 1799 के अंदर सब्सिडरी अलाय बना दिया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वडियार राजा को वापस जब सत्ता के ऊपर लाया गया तो उसके साथ एक ही कारण था, तो उसको बोला गया था कि हम आपको सत्ता वापस दे देंगे, और सत्ता देने के पीछे आपको हमारे साथ एक संधि करनी पड़ेगी जिसका नाम है सहायक संधि। अवध को 1801 के अंदर अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया जाता। देखो, अवध इज वन सच स्टेट जो 1765 से ही इनके नजर में आ गया। 1856 में फाइनली अवध को एनेक्स किया जाता है डलहौजी के द्वारा, और डेलाउजी एनेक्सेशन के पीछे भी बहुत उठपटांग रीजन बोलता है, जिसे बोलता है मेल एडमिनिस्ट्रेशन। बोले आपके यहाँ पे सुशासन नहीं हो रहा था, कुशासन हो रहा, और यही कुशासन का कारण देके डेलाउजी पूरे के पूरे अवध जो राज्य था उसका विलय कर देगा ब्रिटिश हुकूमत के अंदर। 1801 के अंदर हमने देखा पेशवा, जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसके बाद सबका नंबर लगता है और धीरे 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 जाके ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी नेटिव स्टेट्स थे उनके साथ सहायक संधि कर दी। मुद्दे की बात यह आ रही थी कि हमारे जितने भी यहाँ पे रियासतें थी वो सहायक संधि एक्सेप्ट क्यों करते थे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस होल सब्सिडरी अलायंस, क्या कारण हो सकता है। चलो, एक तो थ्रेट परसेप्शन था, दूसरा कारण ये बोला जाता है कि
इनके पीछे का एक्सेप्टेंस का कारण था कि अंग्रेज उनको तलवार लटका के दे रहे थे कि अगर आप सहायक संधि नहीं करोगे ना हम आपके ऊपर युद्ध कर देंगे, और युद्ध करने के बाद आपका पूरा का पूरा राज्य होगा ना उसको एनेक्स कर। तो राजा को लगता था इससे अच्छा मैं कम से कम राजा तो रहूंगा, भले रबर स्टैम्प की तरह रहूं, ट्रू कॉपी करता रहूंगा गैजेटेड की तरह, क्या फर्क पड़ता है, बट एटलीस्ट उसका फायदा तो होगा ना उसको, राजा अपनी खुद की जो पूरा का पूरा जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था। इसका एक कारण यह भी बोला जाता है सहायक संधि को एक्सेप्ट करने के। ओके,